आज हम एक बड़े सर्किट को कैसे चुटकियों में सोल्व किया जाता है अगर पॉसिबल हो तो, मतलब अगर उसमें क्वेश्चन इस तरह बनाया गया हो कि भाई एक फिक्स पार्ट में से आपको करंट बताना है या उसका करंट पता, उसकी रेजिस्टेंस बतानी है, तो इसको हमने नाम दिया है रेज मॉन्स्टर्स मेज। मतलब मॉन्स्टर मतलब एक डरावना सा सर्किट। अब इन्होंने एक क्वेश्चन में दिया है, ये आपके सीपीटी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपके पिछले लेक्चर में सीपीपी 8 में क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 10th क्लास वाले में। तो इसमें दिया गया है, इसमें कई बैटरीज लगी हैं, आइडियल बैटरीज, और हर एक का ईएमएफ है 8 वोल्ट, और कई रेजिस्टेंसेज दिए हैं, लेकिन एक थोड़ा अलग रेजिस्टेंस है आर, बाकी रेजिस्टेंसेज की वैल्यू दी है 8 ओम, लेकिन इस आर की वैल्यू नहीं दे रखी है। ये और जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये सारे के सारे 8 ओम के हैं, लेकिन आपको आर की वैल्यू नहीं दी गई है कि आर कितना है, और वो आर की वैल्यू निकालनी है। आपको ये दिया गया है कि आर में से करंट है हाफ एम्पियर, कैसे भी हो सकता है ऊपर नीचे। तो लॉजिक क्या होता है इन क्वेश्चंस में कि फाइंड आउट ए क्लोज पाथ, एक ऐसा क्लोज लूप ढूंढिए जिसमें केवल वो रजिस्टर आ रहा है और कोई रजिस्टर ना आए, क्योंकि एक रजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है वो डिपेंड करता है उसमें फ्लो करने वाले करंट पे, आइडियल बैटरी में उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमें एक ऐसा पार्ट ढूंढे जिसमें खाली आ रहा है और बस बैटरी जाए, अगर ऐसा पाथ मिल जाता है तो उसमें केवीएल लगाते ही आंसर आ जाएगा। कैसे, पहले मैं पाथ ढूंढता हूं। देखिए मैंने इधर से चलना स्टार्ट किया, उधर कहीं रास्ता नहीं है, सारे रजिस्टर्स ने ब्लॉक कर रखा है, आप इधर आ जाओ, इधर भी रास्ता नहीं है, रजिस्टर्स ने ब्लॉक कर रखा है, आप नीचे चले जाओ, यूं आओ, जहां रास्ता दिखे रजिस्टर एक ब्लॉकेज है, बैटरी ब्लॉकेज नहीं है, आप निकलते रहो बैटरी में से, इधर और इधर बंद है, इधर आ जाओ, देन इधर आओ इस साइड। अब कहाँ है रास्ता, ये रहा है, ये इस साइड, बैटरी से आप निकले कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चलते रहे लास्ट में यहां, देन यहां, ओ मिल गया क्लोज पाथ। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बाद में मार्क किया है, ये एक ऐसा क्लोज पाथ है, मैं उस पर एक बार आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूं। ये हमारा एक क्लोज पाथ है जिसमें केवल वो रजिस्टर आर है जिसमें से करंट दिया गया है, और साथ में बस बैटरी है, आप उसमें करंट कैसे भी मान लो आपका मन करे वैसे, वो तो नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब हमारा वो तरीका गलत है। हाफ एम्पियर, सपोज मैंने माना कि ऊपर से नीचे इसमें हाफ एम्पियर आ रहा है, तो ओम्स लॉ वाली एक्सप्रेशन कहती है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू आर, यानी कि आर बाई टू। और चलो जी पूरी बैटरी में आओ जी, यहाँ आओ, माइनस प्लस कितना ईएमएफ है इसका 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट हो गए, सारा वोल्ट में चल रहा है। और आओ जी माइनस प्लस 8 वोल्ट, और आइए माइनस प्लस 8 वोल्ट, और चलिए आगे, एक बैटरी ये रही, प्लस माइनस 8 वोल्ट, बस ये आपका जो क्लोज पाथ है, आप इसमें केवीएल लगाओ। केवीएल सपोज मैंने यहां से एंट्री की, पहली एंट्री प्लस से, तो माइनस आर बाई टू, उसके बाद चलिए 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 अगली एंट्री माइनस से है तो प्लस 8, उसके बाद अगली एंट्री माइनस से प्लस 8, चलते रहो अगली एंट्री माइनस से प्लस 8, चलते रहो जहां तक भी मिले, जैसे भी अगली एंट्री प्लस से माइनस 8, और वापिस वहीं आ गए तो इक्वल टू 0। अब इस केवीएल का फायदा ये हुआ कि इसमें केवल यही रजिस्टर है और कोई रजिस्टेंस शामिल नहीं हुआ, और रजिस्टेंसेज में दिक्कत ये आती कि हमें उनका करंट नहीं पता कितना है, जबकि इस ब्रांच का करंट पता है, ये हमें दिया गया है 8 8, कैंसिल, तो माइनस आर बाई टू प्लस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस आर बाई टू इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, और यहां से आर आपका आ गया 32 ओम, जो कि आपके उस क्वेश्चन में ऑप्शन डी था। इस तरह से आपको ये रेज मॉन्स्टर्स मेज को देखना था, शायद आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि बड़े सर्किट को भी छोटा क्वेश्चन कैसे बना के दिया जा सकता है। अभी हम आज कुछ और वीडियो लेक्चर डालेंगे, ये तो एक बार मैंने 5 मिनट का जस्ट वो कल जो हिंट दिया था, आज तक आपने सोल्व कर दिया, वो इसलिए बताया था। थैंक यू।